हे हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों? यार होप सो यू नो सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होंगी। ऑब्वियसली यार जितने भी लेक्चर हमारे ग्रेविटेशन के हो चुके हैं उसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। ओके सो बॉस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने, देख लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करूंगा, बट नॉट ड्यू टू द पॉइंट मास, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की, मतलब एक बॉडी की वजह से। ठीक है, जैसे रिंग है, डिस्क हो सकती है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, इन टाइप की जो बॉडीज की वो बात करेगा कि इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके सो ऑब्वियसली तो बढ़िया से एनर्जी बना के बैठ जाना, बहुत बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट सीखने हैं, और उसके सारे न्यूमेरिकल जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा अच्छे से उन पे फोकस करके अपने कंसेप्ट को आपने बिल्ड करना है। ओके तो साथ साथ में चलेंगे, मिल के चलेंगे और मस्त तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो जल्दी से बता देता हूं किस चीज की मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, जी मतलब ग्रेविटेशनल, अब आप समझ ही गए होंगे। ओके तो यार ये तीन चीज है हमारे पास, तीन बॉडीज हैं, और रिंग की बात करेंगे, होलो स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड, और बाद में मैं एक डिस्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर आ सकता है वो भी बता दूंगा अलग से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ सर्कुलर रिंग यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी सबसे पहले हमारे पास जी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट इज ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। ओके सर्कुलर रिंग, अब इस सर्कुलर रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन का यूज करके वो क्वेश्चन बना सकता है, उसके सारे कंसेप्ट जल्दी से देख लेते हैं। और ये इस पर्टिकुलर वीडियो में तीनों कवर करने हैं हमने, विद प्रॉब्लम्स, विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्ट सीखने के साथ साथ। ओके तो मस्त तरीके से ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बहुत ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान भटका वो बोलते हैं ना, ध्यान हटा ऐसे कुछ बोलते हैं ना, दुर्घटना घटी है ना, तो इस तरीके से आपके साथ भी होने वाला है। मतलब जरा सा भी कंसेप्ट अगर आपने मिस कर दिया या वो समझ में नहीं आया तो भी पंगा हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं यू नो उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर रिंग। ओके सर, तो देखो यार, अगर मैं सर्कुलर रिंग को देखो, सिचुएशन नंबर वन है ना, सिचुएशन नंबर वन कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंप्लीट रिंग है, मैंने बोला ठीक है। अच्छा, रिंग के बारे में एक चीज तो हम क्लियरली जानते हैं कि रिंग का जो भी मास है वो उसकी लेंथ पे है, मतलब इसकी सर्कमफेरेंस पे है, यानी रिंग का मास m है और सपोज करो सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो r है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो r है, और जो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग का यूनिफॉर्मली वो लेंथ में है, उसकी लेंथ, और लेंथ क्या है सर उसकी, यानी आप लिख सकते हो मास और टोटल लेंथ है इसकी 2πr, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल, मतलब इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है हम यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है। मतलब इसका जो फॉर्मूला है हम ये काफी हमने पढ़ लिया है यार, मेरे को क्या ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लीनियर मास पर यूनिट लेंथ, जब मास किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, बस ऐसे याद रखें आप। ठीक है, अब देखो बॉस, तो यार अगर आपसे कभी भी गलती से पूछेगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे निकालो, सेंटर पे इसके यहां सी सेंटर पे निकालो, तो यार अगर वो कंप्लीट रिंग ले रहा है, फॉर ए कंप्लीट रिंग, ध्यान से समझना, फॉर अ कंप्लीट रिंग, फॉर अ कंप्लीट, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट रिंग, ठीक है, तो मजा आने वाला है। आप जस्ट पढ़ोगे नहीं, आप समझोगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको कैसे फोड़ के आना है, ये समझना है हमने। लड़ाई ऐसे रोड़े कि कुछ भी करके लड़ाई लड़ने चले गए, लड़ाई लड़ने के लिए हम हर तरीके से दांव पेंच जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो सब कुछ सीख के जाएंगे, जिससे पॉसिबिलिटी हमारी बन जाए जीतने की। ठीक है, ओके तो बने रहना मेरे साथ, मस्त तरीके से मजे से इंजॉय करके हम स्टडी करेंगे। तो क्या है सर, अब देखो, आप ध्यान से देखो, अगर हम इसके सेंटर पे जाके बैठ जाए तो हमारी पिटाई होने वाली है, तो कौन पीटने वाला है, तो मेरे चारों ओर मतलब हर तरफ मास है। ठीक है बॉस, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको, मेरे हर तरफ मास है, मतलब सेंटर पे बैठे हो आप, अगर यहाँ पे एक छोटा सा मास आप कट करोगे, मान लिया यहाँ पे, तो ये बेचारा ये छोटा सा मास आपको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि भाई ये अपनी इंटेंसिटी अप्लाई करेगा तो अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि इसमें पूरी में मास है तो उसके जस्ट अपोजिट भी इसी के जैसा एक मास आप कंसिडर कर सकते हैं, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और आप बैठे हो यहाँ सेंटर पे, क्या आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा, इसकी इंटेंसिटी गई इधर, लेट्स सी E1, इसकी इंटेंसिटी गई इधर, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, रेडियस के इक्वल,
ठीक है, दोनों का मास भी सेम है, एलिमेंटल हमने मान लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मेरे ऊपर कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी। ठीक है, आप बोलोगे यार सर अच्छा चालाक बन रहे हो, ऊपर नीचे मास ले लिया, मैंने कहा हाँ, तो चूंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, आप बोलोगे ना हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो मान लो जरा, अगर यहाँ पे एक स्मॉल मास आप कट करोगे तो ये वाला जो स्मॉल मास होगा एलिमेंटल, ये अपनी तरफ अटैक करेगा। भाई ध्यान से देख, इसके अपोजिट भी तो मास हो सकता है, यस सर इसके अपोजिट भी हो सकता है, तो ये भी तो अट्रैक्ट कर लेगा इसको अपनी तरफ, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, अगर मैं इसका मास ले लूँ स्मॉल एम और डिस्टेंस तो आ ही रहेगी, तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, मास सेम होना चाहिए, पहले से कॉन्स्टेंट है तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी। सो यहाँ पे मास भी दोनों का सेम है, देखो अपोजिट साइड में, और डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल है, वो तो सेम है ही, तो भाई ये भी कैंसिल कर देंगे। इधर कोई एलिमेंट ले लो, कहीं भी ले लो, चूंकि हर तरफ है, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो मास आप कट करोगे वो इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये कैंसिल कर देंगे, मतलब हर साइड में, इधर देख लो आप, इधर देख लो, ये इसको अगर ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होगा, मतलब ये सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेंटर पे कैंसिल हो रहा है, यानी सेंटर पे इंटेंसिटी रिंग के केस में हमेशा जीरो होगी, तो ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तो ऑब्वियस ही नहीं है, है ना, हर एलिमेंट यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट करेगा, कैंसिल आउट करेगा। सो रिंग के सेंटर पे, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो रहने वाली है। मतलब सर क्या कह रहे हो आप? मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर इसके सेंटर पे जैसे रिंग का मास हमने मान लिया, एक पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल रख दिया और हमने पूछा बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स निकालेंगे हम किससे? m इंटू ई वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता है e इज इक्वल टू होता है f अपॉन m, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चूंकि इसके सेंटर पे बात कर रहे हो और सेंटर पे तो इंटेंसिटी जीरो है, तो फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो इंटू m जीरो ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैंने कर दी है, अब आता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे यार सर कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगी, हमेशा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, क्वेश्चन कैसे आएगा? तो वो पता है क्या करेगा, वो बोलेगा पूरी रिंग की वो बात ही नहीं करेगा, वो रिंग को ऐसे काट देगा, तो या तो सेमी सर्कुलर बोलेगा, सेमी सर्कुलर बोलेगा रिंग है, ठीक है, या इसको ऐसे काट के चार पीस बना लेगा, पीस वन पीस टू पीस थ्री, तो इतना से पीस की बात करेगा, मतलब ये इसका सेंटर था और आपने ऐसे कटिंग करी और ये इसका था सेंटर, तो इतने से पीस की, यानी वन बाई फोर्थ पार्ट की वजह से बात करेगा सेंटर पे, या फिर सेमी सर्कुलर, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है, ये सेमी हाफ रिंग है ना, देखो सेमी सर्कुलर मतलब हाफ रिंग है, इसकी बात करेगा, मतलब कंप्लीट रिंग की बात तो नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट रिंग की तो बात नहीं करेगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस कैसे आप डील करके आएंगे, कैसे सॉल्व करके आएंगे, इन्हीं की हम बात करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट मैंने आपको जब फोर्स वाले क्वेश्चन कराए थे वहां पे भी कराया, जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, ठीक है, ध्यान रखना फोर्स कैलकुलेट, तो वहां पे डिराइव कराया था मैंने कंसेप्ट, हो सकता है ट्राई करूंगा डिराइव कराना पड़े तो करा दूंगा, अदरवाइज डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डिराइव तो नहीं करके आने वाले हो, तो कंसेप्ट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप डायरेक्ट डील कर सकते हो क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसका डेरिवेशन मैं सबसे पहली वीडियो में, द वेरी फर्स्ट वीडियो, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लेंगे जाके, उसमें डिराइव करा चुका हूं, ओके, कि किस तरीके से करते हैं, कूल ना। ओके, इस जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या कैटेगरी पे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं का रिजल्ट आप याद रखें, उसको सीख ले एक तरीके से कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप सॉल्व करके आने वाले हो। सो क्या है सर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर, जो कि अभी मैंने आपको बताया है सेमी सर्कुलर रिंग, बट कहाँ पे बात कर रहे हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे निकाल रहे हो, किसकी वजह से निकाल रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली, बट किस पॉइंट पे निकाल रहे हो वो बहुत जरूरी है, सिचुएशन पे भी हमने ध्यान रखना है ना भाई। ठीक है, तो एट सेंटर की कर रहा है, तो अब की बार वो सेमी सर्कुलर है, तो ध्यान से देखियो, तो कंप्लीट रिंग, देयर इज नॉट कंप्लीट रिंग, सपोज करो ये कंप्लीट रिंग है, सपोज करो ये कंप्लीट रिंग है, लेकिन आपने इसको, ये इसका सेंटर है, आपने इसको हाफ कट कर दिया है, तो नीचे वाला मास तो हट गया, तो जब अगर नीचे वाला मास हट जाएगा, आप खुद सोचो अगर नीचे वाला मास हट गया तो मास केवल इतना बचा, ठीक है, इतना सा मास बचा है आपके पास, ठीक है जी, इतना सा मास बचा है, ठीक है, तो ये अगर सेमी सर्कुलर है और इसका मास में m मान लूं रेडियस ऑब्वियसली r, और ये इसका सेंटर है और ये इसका एंड a है, ये इसका एंड b है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर है, तो आप खुद देखो अगर इसके सेंटर पे मैं यहां से एक पार्टिकल छोटा सा कट करूंगा और वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसके अपोजिट अब कोई मास उसको कैंसिल करने के लिए नहीं है, मतलब सेंटर पे अब
इसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके अपोजिट अब उसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। आप बोलोगे यार सर यहाँ पे करते हैं हम तो कट, यहाँ पे कर लो छोटा सा एक एलिमेंट कट जिसका मास डीएम हो, और ये छोटा सा एलिमेंट है, पूरे रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जब इसको आप इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो भाई मास तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसका अट्रैक्शन इधर होगा और इसके अपोजिट इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है। मतलब अब श्योर है कि इसके सेंटर पे सी पर, अब यहाँ पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कुछ ना सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। वो क्या होगा वही निकालना, वही क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, नो प्रॉब्लम। तो अब आपने इसी पे फोकस करना है बॉस। तो देखो भाई पूरा डिराइव मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट बता रखा है, बस हाँ तरीका बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन सा वो फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कम से कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके कूल, चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा सर अब क्या करेंगे, देखो यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लिया आपने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया करो, जो इसके दो एंड्स हैं उनको सेंटर से ज्वाइन कर दो, कर दो, कर दिया सर। और ये जो एलिमेंट है ये इसकी जो रेडियस वेक्टर है इसी के लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि स्मॉल है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी स्मॉल होगा, मैं बार बार इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है इसका, सपोज करो कितने एंगल पे आपने कटिंग करी है, थीटा एंगल पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेंटर पे इसका ये फील्ड आपने निकालना है, तो आप बहुत क्लियरली ये भी देख सकते हैं कि ये फील्ड इसके सेंटर पे इस, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, ठीक है, इसको हम x एक्सिस मान लें और इसको हम y एक्सिस मान लें, तो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कहीं ना कहीं इधर होगा, पहले मैं बता रहा हूं अप्रोच कैसे करते हैं, d cos थीटा, और एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं इधर हो जाएगा, d e sin ऑफ थीटा हो जाएगा ना, इधर वाले एलिमेंट का। तो इस y एक्सिस के इधर यहां से यहां तक ये देख लो, और फिर इधर भी तो है, तो अगर यही कंपोनेंट इधर होता, अगर यही कंपोनेंट dm मास का इधर होता तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होता, ठीक है ना, और ये एंगल भी अगर हम सेम मान लें तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाता डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसको ऊपर जाता, दैट इज डी ई, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, साइन थीटा। तो आप देख सकते हो इस वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो इधर के कंपोनेंट्स और इधर के कंपोनेंट्स का ये वाले कंपोनेंट इस पॉइंट पे अगर मैं यहां बनाऊं, डी ई कॉस थीटा वाले बहुत सारे कंपोनेंट इधर वाले, देखो ना ये देखो इसके बाद सिमेट्रिकल है, y के अबाउट जितना रिंग इधर है उतना ही इधर भी है, तो इधर वाले मास के जो एलिमेंटल मास होंगे उनके cos कंपोनेंट इधर जाएंगे, और इधर वाले के देखो इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं cos कंपोनेंट, जितने भी cos कंपोनेंट है d cos थीटा, और sin ऊपर जा रहे हैं, देखो sin वाले कंपोनेंट सारे ऊपर जा रहे हैं d e sin ऑफ थीटा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तो अपने आपको कैंसिल कर देंगे, यानी एक चीज बिल्कुल क्लियर होने वाली है कि सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाला है वो वाई एक्सिस के अलोंग होने वाला है, ऐसे देख लो वाई एक्सिस के अलोंग होने वाला है, क्योंकि कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे चूंकि स्मॉल एलिमेंट है तो जो ई होगा सेंटर पे उसके डी ई वो कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में होगा, यानी डी ई साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में होगा, एक छोटे से मास एलिमेंटल मास की वजह से है, ठीक है, एलिमेंटल मास। तो अगर टोटल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है तो डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी ई की वैल्यू आप लिख सकते हो जो कि स्मॉल है, फॉर्मूला आपको पता है पार्टिकल्स के लिए होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी और उसका मास डी एम और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक तो रेडियस ही रहेगी, तो रेडियस का स्क्वायर, डीएम वगैरह फिर हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, चूंकि ये साइन थीटा के टर्म्स में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, डीएम निकालेंगे। कैसे सर, देखो डीएम निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे मान लेता हूं, फिर से ये रिंग है, ये इसका सेंटर है और ये एलिमेंट है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसके इस एंड को सेंटर से मिलाओ, इसके इस एंड को, ये एलिमेंट स्मॉल एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, और ये एंगल तो ऑब्वियसली थीटा है, और इसका मास है डीएम, और चूंकि इसकी ए से लेके बी तक पूरा मास है टोटल लेंथ में, इस लेंथ को मान लो कुछ डीएल है, छोटी सी लेंथ है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ये एंगल आर्क ओवर रेडियस, तो एंगल डी थीटा को आप लिख सकते हो, आर्क है इसके देखो एंगल के सामने ये डीएल और इसकी रेडियस है आर, ठीक है जी, तो डीएल अगर आप यहां से निकालोगे तो आ जाएगा डी थीटा इंटू आर, यहां से डीएल को रिप्लेस कर सकते हो, और जो डीएम है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्मॉल लेंथ में, तो लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो डीएम इन स्मॉल लेंथ है, तो डीएम की वैल्यू आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू डीएल, तो यहां से डीएम को निकाल सकते हैं हम लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू यहां से आ गई डी थीटा इंटू आर, ये तरीका बता रहा हूं कि ऐसे किया गया था, ये आपने नहीं करना, इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा यार इसको सॉल्व करने में, क्या बात कर रहे हो यार,
है ना, बट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ये डीएफ उठा के यहां पटक देना, ठीक है। जब ये डी की वैल्यू पुट कर दोगे, इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि मास ए से स्टार्ट होके बी तक जाएगा, तो ए से स्टार्ट, अगर एलिमेंट आपने यहीं पे कट किया होता, यहां पे देखो, तो जब मैं इसको इसको मिलाते इसको, तो एंगल जीरो होता, क्योंकि एलिमेंट यहां कट किया है तो एक्स से थीटा बना रहा है। अगर बिल्कुल यहां पे कट कर लेंगे तो यहां ए से स्टार्ट करके जीरो से यहां पे जाके एंगल कितना हो जाएगा इधर तक बी तक, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई रेडियल में आपने ले लेना है। तो जब आप लिमिट लगाओगे जीरो से पाई लगा देना, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा उसको मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, ये प्रोसेस है किस तरीके से करना है, ठीक है। ये प्रोसेस है कि सर इस तरीके से करेंगे, तो यार सर इतना लेंथी प्रोसेस को अगर रिड्यूस करना है तो फिर हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना आप, ठीक है। हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो अब मैच करा लेंगे ना कितना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है हमेशा, यूज दी फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। अब ये किसी भी कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो या उसका भी 1/4, मतलब पूरे रिंग का 1/2, इसका भी हाफ ले लो या 1/4 पार्ट हो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर वो रिंग का एक पर्टिकुलर आर्क हो जो सेंटर में कुछ एंगल बना रहा होगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कब होगा, जब एक कंप्लीट रिंग का कोई एक छोटा सा आर्क मैंने ले लिया है ए से बी तक, ना ये सेमी सर्कुलर है मतलब एक पर्टिकुलर आर्क है और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो दोनों एंड को पहले सेंटर को ज्वाइन करना है, और वो जो दोनों एंड हो गए सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं आर्क की साइड में वो लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना रेडियन में लेते हैं इसको, और इसका मास कुछ मान लो एम और इसकी जो रेडियस है वो मान लो आर। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमेशा वो आपने याद रखनी है 2gm/r², ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा, चलो उसको हटा ही देता हूं, इंटू साइन ऑफ थीटा / 2, यानी हाफ एंगल आए साइन में ओवर थीटा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो, पूरा डेरिवेशन आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा मतलब वो पर्टिकुलर रिंग का वो पर्टिकुलर पार्ट सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा वो यहाँ पे पुट अप करना है बस, ठीक है। बस ये याद रखना थीटा यहाँ पे आप रेडियन में पुट करोगे, रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में, पाई इन है ना टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में पुट करना है। सपोज करो 30 डिग्री बना रहे हो तो पाई बाई 6 पुट करना है, यहाँ पे 30 एज इट इज पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ है, ओके। तो ये रहा फॉर्मूला। तो इस केस में जब वो सेमी सर्कुलर था, तो आप देखो जब वो सेमी सर्कुलर है, पूरा कंप्लीट सेमी सर्कुलर है, तो ये थीटा बढ़ के कितना हो रहा होगा 180। तो देखो यहाँ पे, यानी अगर मैं इस केस में निकालू, इस केस में तो सेंटर पे जो फील्ड आएगा वो आएगा 2gm/, डिराइव होके भी आएगा फॉर्मूले से भी आएगा, साइन ऑफ, चूंकि यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है सेमी सर्कुलर, पूरा का पूरा ये एंगल यहाँ तक, देखो ना जब आप ज्वाइन करोगे ना, जब आप इस एंड को सेंटर से ज्वाइन करते हो तो जो एंगल बनता है वही लेते हैं। तो अगर ये सेमी सर्कुलर बन जाता है, आप खुद देखो, अगर ये सेमी सर्कुलर बनता है ये वाला पार्ट, तो मुझे इसको सेंटर तक बढ़ाना पड़ेगा आगे यहाँ तक, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जो गैप है खत्म हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल हमें फिर ये बढ़ जाएगा, देखो ये एंगल यहाँ तक हो जाएगा पूरा, और ये एंगल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, इसको हमने इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, तो पूरा एंगल हो गया 180। तो जब ये सेमी सर्कुलर की बात करेंगे थीटा वैसा 180 होगा और 180/2, और यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो 180 मतलब पाई पुट करना है अपने, बस इसका ख्याल रखना है, रेडियन में पुट करना है, ठीक है। सो आएगा 2gm/r² इंटू साइन 180 यानी 90, तो ये हो जाएगा 1, बचेगा पाई यानी 1/पाई, एंड दिस इज 2gm/πr². This is your gravitational field intensity at the center of the semi-circular ring. इस तरीके से derive करोगे तो भी यही आएगा, इससे direct आ गया। ये formula most important होने वाला है, ये आपके सपनों में आना चाहिए, है ना, देखो कितना time बचा लेगा हमारा, ये formula आपके सपनों में आना चाहिए। That's why कोई भी condition आप use करेंगे direct इसी से question आपका बन जाएगा, और यही वो सारे formula है जो आप electrostatic में भी use करने वाले हो, सारे concept वैसे ही चलने वाले maximum तौर पे, ठीक है बॉस। तो क्लियर हुआ होगा आई थिंक, आप समझ गए होंगे कि क्या है कहानी, किस तरीके से आपने करनी है। और अगर वो वेक्टर फॉर्म में आंसर करा रहा होगा कि वेक्टर में बताओ, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से रिंग रखा है हमने कि सिमेट्री वाई एक्सिस पे है, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड अप डायरेक्शन में है, तो अगर नेट अप डायरेक्शन में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई सेंटर पे जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 2gm/πr²
अलोंग द जी गैप ऐसे आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर रिंग आप उल्टा ऊपर से काट दो, ऊपर से हटा दो नीचे, तो फिर टोटल आएगा नीचे को, तो माइनस जी गैप हो जाएगा। और अगर रिंग आप ऐसे रख दो, मान लिया रिंग ऐसे नहीं रखा है आपने और कटिंग ऐसे की है, जैसे पूरा रिंग था तो कटिंग ऐसे किया, इधर से हटा दिया तो रिंग ऐसे था, तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक एंड है इसका, ये दूसरा एंड है, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो सारा फील्ड माइनस आई कैप पे जाएगा। लेकिन अगर रिंग इधर इस साइड में होता, ऐसे होता, देखो अगर रिंग इस साइड में होता, ये सेंटर होता, तो इधर से इसको, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता तो सारा प्लस आई कैप पे जाता। वो डिपेंड करेगा रिंग आपने किस तरीके से रखा है, उसका ओरिएंटेशन कैसे आपने प्लेस करा है उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से रिंग वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये तब है जब सेंटर पे पूछ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जब सेंटर पे पूछ रहा है, ध्यान देना बॉस, ये याद भी रख सकते हो आप एज इट इज, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग होगा, मास एम, रेडियस अगर आर है तो हमेशा आंसर यही होने वाला है, नो प्रॉब्लम, हमेशा आंसर यही होने वाला है ना, मान के चल रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में एंट्री ले चुकी है इस कंसेप्ट में, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको ले दिया, जिससे कि एक बार और मैं एक इसके बाद एक और लूंगा जो जनरली पूछ लिया जाता है, जिससे आपको ये फंडा और अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। अब उसने बोला है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस आर्क, एक आर्क है ऑफ दिस रिंग एट इट्स सेंटर, तो सेंटर ये रहा और ये जो आर्क है, सपोज करो इसका एंड ए है, ये एंड बी है, और सारा का सारा मास इतनी सी लेंथ में है केवल, ठीक है, इसका मास एम है और इसकी जो रेडियस आ रहा है, जब एंड ए को आप सेंटर से मिलाओगे तो ऑब्वियसली उसकी रेडियस होगी, ठीक है, और ये जो एंगल बना रहे हैं सेंटर पे थीटा है, क्लियर है। सो इसकी वजह से बताओ, देखो भाई ड्राइव करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, कंपोनेंट को रिजोल्व करके इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, तो सेंटर पे डायरेक्टली नहीं निकाल लेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे सर, रिंग की बात कर रहा है, एक आर्क की बात कर रहा है, 2gm अपॉन r स्क्वायर ये हमेशा रहेगा, इनटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 लेना है ओवर थीटा, ठीक है जी, पुट कर दो, तो आपने थीटा को ध्यान देना है, और मास और रिंग की जो रेडियस है, अगर मास 2m होता तो 2m लिखता मैं, यहाँ चूंकि m है तो m ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली रेडियस, तो थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट 60 लिख सकते हो बाई 2, नीचे जब आप 60 को लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि 60 को जब थीटा की जगह प्लेस करोगे, दिस इज इन रेडियन, तो यू हैव टू पुट पाई बाई 3, क्योंकि पाई मीन्स 180 बाई 3, दैट इज 60 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, बस हो गया, जी एम अपॉन आर, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, ये हो गया 30, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है जी, और नीचे पहले से 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, जल्दी ही आ जाएगा। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो नो प्रॉब्लम गाइज, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल टेक लॉन्ग 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 टाइम एक्चुअली पूरा प्रोसेस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहीं पर दे देता हूँ मैं आपको, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड हियर वी गो, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला है कंप्लीट रिंग का 1/4 पार्ट ले लेते हैं, सपोज करो इतना सा रिंग दिया है केवल, इतना सा सपोज करो, ठीक है, मास वो कुछ भी दे सकता है, और ये इसका सेंटर है, तो रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली देख लो ये एक्सिस वाई है, ये एक्स है, तो ये क्या कर रहा होगा, आप खुद देखेंगे ये क्या कर रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, और लेट्स सी इसका मास एम है, जो मास गिवन होगा वही ले लेना, खत्म होगी कहानी, थीटा दे दिया 90 डिग्री, ठीक है, रेडियन में लिखोगे इसको पाई बाई 2, खत्म कहानी। तो इसके सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है सेंटर पे, वो आएगा 2gm अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, चूंकि 90 है तो 90/2 लिख दो, और नीचे लिखेंगे पाई बाई 2, सॉल्व कर लो, देखो साइन 45 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू 2gm अपॉन r स्क्वायर, साइन 90 हो जाएगा साइन 45, और डिवाइड में हो जाएगा पाई बाई 2, 2 ऊपर ले जाओ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, इसमें मत कर देना 90, ये साइन एंगल अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने, अब 2 × 2 4 हो जाएगा, 4gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, साइन 45 सपनों में आता है, रूट टू से ऊपर नीचे रेशनलाइज करके आप बना सकते हो, तो ये इससे कैंसिल होके बन जाएगा, यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे रूट टू से ऊपर रूट टू से, तो ये कैंसिल होके 2√2 आएगा, और जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो आप देखेंगे, बस आपने एंगल चेक करना है, फिर तो आप उड़ाई डालेंगे। होप्स आप समझ गए होंगे क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, और मस्त तरीके से कंसेप्ट आप बिल्ड कर सकते हैं। अब इसका मैं वो केस लेने जा रहा हूं जिसमें वो सेंटर पे ना नहीं पूछेगा। तो अगर वो पॉइंट जो रिंग की वजह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसके सेंटर नहीं है, और वो कंप्लीट रिंग भी है और सेंटर नहीं है, सेंटर होगा कंप्लीट रिंग के लिए तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसके कंप्लीट रिंग है और सेंटर भी नहीं है, तो उसकी एक्सियल एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट होगा, एक्सियली अगर एक पॉइंट हम ले लें तो
तब किस तरीके से डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आने वाले हैं। तो यही पे आप बढ़िया तरीके से देख लो, मस्त तरीके से ये सब आएगा वहां पे, ये फॉर्मूला भी एज इट इज वहां पे यूज होने वाला है। बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, सो ये वाला केस भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इसकी कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मतलब कुछ नहीं होता है वो पूछ लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करने वाले हैं ड्यू टू अ रिंग बट एट एक्सियल पॉइंट, मतलब देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज कैप्ट यू नो अलोंग द एक्सियल एक्सिस, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे समझे कि एक कंप्लीट रिंग तो लेना है आपने, लेकिन उसकी जो सेंटर से पास होने वाली जो एक्सियल एक्सिस होगी, रिंग ऐसे मान लो आप, ठीक है, रिंग ऐसे मान लो और ये इसका सेंटर है, तो ये वाली एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से पास हो रही है, देखो, ठीक है, इस तरीके से, और ये पूरा रिंग है आपका, ठीक है, ये पूरा रिंग है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंसिडर कर लिया है, समझ गए। और इसका जो मास होगा, उसकी जो रेडियस होगी एज इट इज आर, तो उसके सेंटर से कहीं इसकी एक्सियल एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे पी, उस पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि सेंटर पे तो नहीं है, तो इसके सेंटर से कहीं एक्स डिस्टेंस अवे वो पॉइंट है जहां पे निकालना है। अब इस पॉइंट को भी रिंग अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसका डी जो भी ई होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसकी वजह से, वो भी इसके सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है बॉस, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, देखो डिराइव करेंगे वही एलिमेंट वगैरह मान के, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, जब भी ये कंडीशन की बात करेंगे रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एलिमेंट मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं कट करूंगा डी एम मास का, तो इसको ज्वाइन करूंगा पहले, तो वो इसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर आएगा, फिर नीचे भी एक एलिमेंट ऐसे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगा, कट करूंगा, वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, उसके कंपोनेंट नीचे जाएगा, कुछ इधर जाएंगे, जो इधर वाले इस पे कंपोनेंट आएंगे वो ऐड हो जाएंगे, और इधर जो कंपोनेंट आएंगे वो वैसे ही बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारा फील्ड एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग एक्ट कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं जी एम इंटू ये सेंटर से डिस्टेंस एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आएगा इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड हमेशा ये होता है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में भी देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका तरीका, मैंने बता दिया डिराइव हमने करना नहीं है बॉस, ठीक है, डिराइव हमने करना नहीं है, ओके सर, चूंकि ये किसी एंगल पे हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ओके। तो ये हो गया, ये तो बाकी ये है। अब सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, सपोज करो रिंग से कुछ डिस्टेंस अवे, डिस्टेंस क्या है एक्स, यू नो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है उसके एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, आंसर बन जाएगा। अब आप खुद देखो, अगर इस पॉइंट को आप धीरे 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 पास में लेके आओ यहाँ पे, तो ये देखो एक्स कम हो गया, और पास में लेके आओ और कम हो गया, सेंटर पे रख दो, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। यानी अगर एट सेंटर आप फिर से यहाँ से देखो प्रूफ करना चाहो, तो सेंटर पे एक्स जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा ई सेंटर पे जीरो होगा, यानी रिंग कैसे भी हो अगर उसके सेंटर की बात करेगा तो फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए आपको सेंटर से अवे ही पूछेगा। अब दोस्तों यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फॉर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर वो बोले इस ग्रेविटेशनल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और वो पॉइंट एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां पे उस पॉइंट को मैं रखूं, यहां पे यहां पे यहां पे, कि ये जो फील्ड होगा मैक्सिमम हो जाए, तो फॉर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स की वैल्यू हमेशा आर बाई अंडर रूट टू लेनी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्स की वैल्यू रेडियस की 1/√2 टाइम्स होगी, आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, वो पूछेगा बताओ रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ यार, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मैक्सिमम है, तो बताओ एक्स की किस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम है, सो दिस इज द वैल्यू, और इस एक्स की वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो ई की मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, E की मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, जो आपको याद रखनी है 2gm/√3r2, ये होगी, ठीक है, 2gm/, यहाँ पे पुट करके देख लेना यही आएगा। सो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए कि रिजल्ट हम याद रखें, है ना, ठीक है। वैसे तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कूल ना। तो यार ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको डिस्कस करना था, जिससे आपको याद रहे, कहीं पे अगर इसका यूज होगा तो आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ का सामना ना करना पड़े, सो दैट्स व्हाई मैंने इसके डिस्कशन यहाँ पे
कर लिया है, कर लोगे ना बॉस, ठीक है, समझ जाओगे ना कि क्या कहानी है, रिंग के कौन कौन से केसेज है, तो ये आप सबके सामने है, ठीक है, होप सो ये आपका सही होगा, यस, ठीक है, कर लेंगे ना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कंसेप्ट पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चूंकि हमने लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन रिंग की हमने यहाँ पे बात करी है फिलहाल, अब हम बात करेंगे होलोस्फीयर, मतलब एक इस तरीके की बॉडी की बात कर रहे हैं जिसके वॉल्यूम में आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉलिड स्फीयर जिसके वॉल्यूम में आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है ना बॉस। तो इस तरीके से ही आपको सारे कंसेप्ट सीखते जाना है, उनका एप्लीकेशन करते जाना, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सब सीखते जाना। तो इस वीडियो में मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में होने वाले हैं, क्लियर, मेरे साथ मस्त तरीके से बने रहना, सोने का नहीं, डरने का नहीं, ठीक है, कंसेप्ट सारे क्लियर करने का, ठीक है, ऐसे मत करना यार सो गए बीच में तो गड़बड़ हो जाएगा बॉस। एक टाइम पे एक कंसेप्ट मस्त तरीके से क्लियर करो, उसके बाद कुछ भी करो, मन को भी खुशी मिलती है ना जब एक टास्क हम कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई पेंडेंसी हमारे पास है, तो वो होने भी नहीं चाहिए, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर कैरियर, और मेरे से ज्यादा आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए अपने कैरियर के लिए, ठीक है। तो जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हो दैट इज द ऑसम, एंड बहुत एक बड़ा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको देते हैं, ये मेरे को बताने की अब जरूरत होनी नहीं चाहिए, आप बढ़िया तरीके से इस चीज़ को जानते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितने बैलेंस होके, कितने फोकस्ड होके आपको काम करने की जरूरत है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहने की जरूरत है, डेली बेसिस पे करना है अपना काम कंप्लीट, ओके। तो ज्यादा बकवास कर ली मैंने कुछ, अब जल्दी से आ जाता हूँ बैक टू द पवेलियन, मतलब मेन टॉपिक पे, ओके ओके बॉस। तो फाइनली हम वीडियो के एंड में धीरे धीरे आ रहे हैं, और उस पॉइंट की तरफ हम पहुंच चुके हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे पूछे जा चुके हैं, नीट में एज वेल एज अपने जेईई मेंस के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप ये सारे कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में याद रखने हैं और अप्लाई करने भी सीखने हैं बॉस, ठीक है। तो बात करने वालों में यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिख दिया मैंने यहाँ पे मस्त तरीके से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलोस्फीयर या स्पेरिकल सेल भी इसको कह सकते हो, जैसे एक बिल्कुल गोल एंड गोल चकोल, बिल्कुल एक आप जस्ट लाइक फुटबॉल मान सकते हो, फुटबॉल के अंदर बिल्कुल भी मास नहीं होता है, सारा मास उसका उसके आउटर बॉडी पे ही रहता है, तो वो एक होलो टाइप का स्फीयर मान लिया जाएगा। या एक वाटरमेलन लेके आओ, तरबूज, यार एक वाटरमेलन की आप बात कर रहे हो अगर, तो उसके बिल्कुल वो वाला राउंड वाला बिल्कुल गोल हो, जो बिल्कुल राउंड हो, ठीक है, उसके अंदर का पूरा मटेरियल खा लो, उसके अंदर से सब कुछ खा लो, बॉडी बच जाएगी, आउटर उसकी, अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज द होलो, यानी खाली, होलो मींस खाली, एम्प्टी एकदम, ठीक है, ओके। तो क्या करने वाले हैं सर, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने वाले हैं सर। तो देखो भाई, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस, डेरिवेशन एंड टाइप पे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट ही बताऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में वही काम आएगा, जिस देखो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए जो आसानी से आपको समझ में भी आए और जिसका यूज करके आप जल्दी से न्यूमेरिकल कर सके, यही कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, यही कॉम्पिटिशन होता है। रही पीएचडी की बात, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो फिर बाद में करते रहना, पहले कॉम्पिटिशन क्रैक करके तो आओ, ठीक है, चलो बॉस आ जाओ। तो उसने बोला कि समथिंग लाइक दैट, एक स्फीयर ले लेते हैं, राउंड एंड राउंड बन गया, मतलब ठीक बन गया है, तो ये है देखो इसका जो मास होगा ना, बस उसको यहाँ स्फीयर पे है, इसके सरफेस पे है, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो हाँ मान लो यार, मानना तो पड़ेगा बॉस, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मास सारा यहीं पे है, मतलब अंदर से खाली है, खाली, खोखला, इसको बोलते हैं हिंदी में खोखला गोला। वाओ इंटरेस्टिंग ना, इंटरेस्टिंग, खोखला मतलब खाली गोला, गोला मीन्स स्फीयर, है ना, आमिर खान की मूवी देखी है, ये कौन से गोले पे पहुंच गया मैं, है ना, गोला, स्फीयर, ठीक है, खोखला मीन्स खाली, ठीक है, यानी होलो, होलो मीन्स खोखला, गोला मीन्स स्फीयर, कूल ना, इंटरेस्टिंग यार, देखो हिंदी भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। इस पे जो मास है वो एम है, एंड मान लो बेसिस की जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे आने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालें, बिल्कुल वैसे ही ट्रेट हो रहा है जैसे रिंग में हमने किया था, क्योंकि इसके चारों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर से अगर कोई एलिमेंट आप कट करोगे तो वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर से किसी एलिमेंट की बात करोगे सेम वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, डिस्टेंस सेम है, एलिमेंट आपने सेम मान लिया, तो यहाँ पे इधर से भी ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी ऐड, इधर से भी ऐसे की तरह से, इधर से भी, इधर से भी, हर तरीके से अट्रैक्शन है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
तो इसके सेंटर पे तो एक बात क्लियर है कि इंटेंसिटी जीरो होने वाली है, उसका जो अमाउंट है वो जीरो होने वाला है। मतलब अगर आप इसके सेंटर पे जाके बैठ जाओ तो आपको ग्रेविटी का कोई फील्ड आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जीरो होगा, आप फील ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो चूंकि हम यहाँ होलो सेल की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल स्फीयर की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको एक चीज का ख्याल रखना है। तो जैसे आप सेंटर से बाहर निकलेंगे, कैसे सर? ऐसे सर, सपोज करो आप सेंटर पे नहीं हो, मन में आपके चल रहा होगा सवाल कि सर अगर सेंटर पे हुए तो, सेंटर पे नहीं हुए तो मान लिया तो सेंटर है आप, यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पे निकालना है, तो भाई इस पे भी, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे, अंदर के इंटरनल पॉइंट पे, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, यानी इंटरनल पॉइंट पे हमेशा फील्ड जीरो ही होगा। कहीं भी सेंटर से लेके अंदर होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, जीरो होगा। जब सेंटर पे है और सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर की जाती है, तो लेकिन सेंटर से ये पॉइंट सेंटर पे नहीं है, किसी डिस्टेंस अवे है, अगर इसकी रेडियस आर है तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो ये वाली कंडीशन मानी जाएगी इंटरनल पॉइंट के लिए। दिस इज द पॉइंट इंटरनल, मतलब आप सेंटर को छोड़ के उसके अंदर किसी और पॉइंट की बात कर रहे हो, तब भी उसका फील्ड जीरो ही होगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट अभी भी उसी तरीके से किया जा रहा होगा। इधर वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन इधर वाला इसको इधर को अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप बोलोगे सर ये तो इसके पास है, ये दूर है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, लेकिन ध्यान से देखो उसकी डिस्टेंस कम है ना, और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और इसका मास ज्यादा है, तो डिस्टेंस ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप अगर इसको प्रूव करोगे, इसमें भी जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम वगैरह यूज करते थे, तो यहां पे भी हम उसी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, आप बस समझना डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मास ही नहीं, आप ऐसे समझ लो यार, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा सेंटर की तरफ। देखो ना, अगर इस सेंटर से हटके आप यहां आ जाओ, देखो ये पॉइंट पी है, इसके इस साइड तो मास है, लेकिन सेंटर उधर थोड़ा ही, अर्थ का सेंटर तो इधर है उस बॉडी का, ठीक है, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तो इसके अंदर मास ही नहीं है। मतलब इस पॉइंट को अगर आप अंदर ही देखोगे, इस पॉइंट के अंदर, इस पे उतनी ही डिस्टेंस का, जितना ये पॉइंट है ना सेंटर से कितनी दूर है, इतनी रेडियस का एक स्फीयर बना लो और इसके अंदर देखो झांक के, इसके अंदर यहां से आंखों से देखो क्या कोई मास है, कुछ भी नहीं है, तो इसको कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी इसका फील्ड जीरो ही होगा। मतलब इंटरनल किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो ही होगा, ऐसे लॉजिकली आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे लॉजिकली आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट के इस साइड तो है, लेकिन इधर सेंटर नहीं है, सेंटर तो अंदर की साइड है, तो अंदर को अट्रैक्शन होना चाहिए। और अगर इसी रेडियस का मैं एक स्फीयर यहाँ पे बना दूँ, ये कुछ वाहियात ही बना दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बना दूँ, तो इसके अंदर कुछ भी मास नहीं है, मास तो सारा सर्कमफेरेंस पे है, एक तरीके से देखा जाए इसकी आउटर सरफेस पे, नॉट सर्कमफेरेंस, उसकी आउटर सरफेस पे है, ठीक है, सारा का सारा मास, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इंटरनल की जब भी बात करेगा, इंटरनल पॉइंट की फील्ड अभी भी जीरो ही रहेगा। लॉजिक होप्स आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। लेकिन अब वापस आ जाओ दुनिया में, फिर से बना लेता हूँ मैं गोला, गोला ही तो बनाना है, तो गोला फिर से बना लेते हैं, गोला एंड गोला, ठीक है। तो ये इसका सेंटर था सर, ओके सर, सारा मास तो इसका आउटर सरफेस पे है, रेडियस आर है, अगर वो पॉइंट सेंटर पे है तो भी जीरो, यहाँ पे है तो भी जीरो, क्योंकि अंदर ही है, यहाँ पे है तब भी जीरो, अभी भी अंदर ही है, यहाँ पे है तब भी जीरो, अभी भी अंदर ही है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा, तो सरफेस पे पहुंचते ही, ठीक है, इसके अंदर यानी आउटर सरफेस पे जब भी वो पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो सर्कमफेरेंस वाला मास है, ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगेगा, ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे अंदर की तरफ इसके सरफेस पे जो इंटेंसिटी आएगी जी एम अपॉन, इसकी वजह से सर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब सेंटर से उसकी डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब हम अपनी अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ बिल्कुल ये वैसे ही नहीं है, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल जी के इक्वल नहीं है। अगर मैं सरफेस पे इंटेंसिटी की बात करूँ तो वो जी के इक्वल नहीं है, क्योंकि जी भी क्या होता था, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था जी अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल वही तो है ये, यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वही तो उसका जी है, उसी को तो जी कहते हैं, ठीक है, उसी को तो जी कहते हैं, ठीक है, देख सकते हो। और इसके सरफेस पे कहीं पे भी है सेम इंटेंसिटी से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जी तो सरफेस पे सेम ही होता था, याद करो, है ना, क्योंकि सेम इंटेंसिटी से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मजा आ गया कि नहीं। तो इसके सरफेस पे ये कांस्टेंट एंड मैक्सिमम होता है, ठीक है, जी भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, रेडियस भी किसी भी पॉइंट पे देख लो कांस्टेंट है। तो सरफेस पे होलो सेल या होलो स्फीयर की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो सरफेस पे, ऐसे लिखा है मैंने, मैक्सिमम होती है एंड वो होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
और वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, पूरे सरफेस पे वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो दो पॉइंट मिल गए, इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, सेंटर से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट पे जीरो, ठीक है, सरफेस पे आते ही एक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर वो पॉइंट आप बाहर लेके जा रहे हो, अर्थ से बाहर लेके जा रहे हो या किसी स्फीयर से बाहर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, देखो यही पे बता देता हूं, इसी में, आउटसाइड के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर आप सेंटर से पॉइंट को ना तो सरफेस पे ले रहे हो, ना इंटरनल पॉइंट ले रहे हो, कहीं बाहर ले रहे हो, फिर ओवरऑल इसका रिजल्ट लिखूंगा मैं लास्ट में, कंक्लूड करेंगे ना जब इसको। ठीक है, तो देखो अगर पॉइंट यहां पे हुआ सर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस देखो इसकी, इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करो और ये डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा हो गई है, तो ये आउटसाइड होगा। तो ये आउटसाइड, इसका मतलब ये पूरा मास, जैसे हम पृथ्वी के बाहर किसी पॉइंट पे निकाले तो अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, और वो चूंकि उसके बाहर है तो सारा मास मिलके काम कर रहा होगा इस डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा आउटसाइड में, तो मैं उसको लिखूंगा ई नॉट आउटसाइड के लिए, तो पूरा मास काम कर रहा होगा पूरे स्फीयर का, और इतने डिस्टेंस पे है तो आर का स्क्वायर, तो एक पॉइंट मास की तरह काम कर रहा है। देखो ये, क्योंकि हम मान लेंगे पूरी स्फीयर का मास इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस है, तो एक पॉइंट की तरह काम करता है। जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, हमेशा पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, कंडीशन ये है, इससे समझोगे आप कि आउटसाइड है कि इनसाइड है। इसकी कंडीशन ये रही, इसकी कंडीशन ये रही, और इसकी कंडीशन ये रही। और सेंटर की बात करोगे तो आर जीरो हो जाता है, सेंटर की बात करोगे तो जीरो, तो सेंटर पे ये जीरो ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये सेंटर पे आपका जीरो हो जाने वाला है, नो प्रॉब्लम। तो सेंटर से लेके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे जीरो होने वाला है बॉस, ये ध्यान रखेंगे। आउटसाइड पॉइंट पे हमेशा इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टोटल मास पूरा कंसीडर हो जाएगा, और सरफेस पे टोटल मास कंसीडर होगा, डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल हो जाती है, और मैक्सिमम वहीं पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम वहीं पे होता है, और ये सारा मास चूंकि सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया, तो पूरा मास एक्ट कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट हो गया ये, और जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे सेंटर से इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ है, तो ये घट रहा होगा, यानी बाहर जाने पे, पॉइंट को अर्थ के सरफेस से बाहर ले जाने पे ई जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे वो घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और जैसे ही आप इंफिनिटी पे चले जाओगे, अगर आर की वैल्यू आप इंफिनिटी रख दो, बहुत दूर चले जाओ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके ऊपर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपके ऊपर जीरो हो जाएगा अगर आप अर्थ के जो इफेक्ट है उसका अट्रैक्टिव इफेक्ट उससे बहुत दूर चले गए, तो आपके ऊपर इंटेंसिटी अप्लाई होगी ही नहीं, तो आपके ऊपर एक्ट करने वाला इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस है बॉस। ठीक है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कंसेप्ट, अब यहाँ मैथमेटिकली सीख रहे हैं। ये तो रही कंसेप्ट की बात, अब थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे यार सर मतलब थोड़ा और अच्छे से इसको देखें। हाँ देखें, अभी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है जल्दी से। ओके ओके, सो अब जल्दी से मैं इसको नोट करके आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट पे आपने फोकस करना है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो किस बात का ख्याल रखना है और रिजल्ट को कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो अगर वो बात कर रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे हमेशा इसके रहने वाला है जीरो, और सेंटर से बाहर किसी इंटरनल पॉइंट की अगर वो बात कर रहा है, लेट्स सी ये इंटरनल पॉइंट है पी, तो है तो अभी भी सरफेस के अंदर ही ना, इस पूरी बॉडी के अंदर ही ना, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो रेडियस से कम होनी चाहिए अगर इसकी रेडियस आर है। बस इस चीज पे फोकस करेंगे आप जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी भी इसके इंटरनल पॉइंट पर यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे इंटरनल पे, अभी भी इसको इंटरनल माना जाएगा जीरो, यही प्रूव किया हमने। लेकिन अगर ये पॉइंट बढ़ा के इसके सरफेस पे चला जाए, तो सरफेस पे अट्रैक्शन होने लगेगा, चूंकि आर जो है डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल हो चुकी है, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा इसका सरफेस पे वो होगा जी पूरा मास, और इसकी डिस्टेंस है आर स्क्वायर, उसकी जगह लिखेंगे कैपिटल आर, ये लिखा हमने अभी तक। ठीक है, और अगर वो पॉइंट इससे बाहर लाई कर जाए रेडियस से बाहर यहाँ पे, तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो लेंगे आर ग्रेटर देन आर, और इस पॉइंट पे जो अट्रैक्शन होगा और उसका जो वैल्यू होगा आउटसाइड पे वो होगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लेनी है सेंटर से यहाँ तक, हम ये मान लेते हैं पूरा मास इसका सेंटर पे, यही कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, नो प्रॉब्लम। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ आर इज लेस देन आर, दूसरी कंडीशन क्या है R is greater than R, तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों R is equal to R, तो less than R मतलब इंटरनल है, तो ये इंटरनल हो गया तो जीरो, greater than R मतलब ये आउटसाइड हो गया, तो जी एम अपॉन डिस्टेंस, फिर रेडियस नहीं लेनी है डिस्टेंस लेनी है। लेकिन अगर वो जो डिस्टेंस हो रेडियस के इक्वल है, तो इसी फॉर्मूले में आप लिख सकते हो जी आर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूं सेंटर पे, तो वो भी जीरो ही होने वाला है। तो बस इतने पॉइंट याद रखो यार, हो जाएगी आपकी बात बन जाएगी, और इसी पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हो उसका ग्राफ बहुत ईजिली। ग्राफ बनाने का मस्त तरीका आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो किसके बीच बनाएंगे, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस तो यही है ना वेरिएबल, कैपिटल आर तो भाई कॉन्स्टेंट है, रेडियस थोड़ी चेंज होगी, ठीक है, डिस्टेंस ही चेंज होगी ना पॉइंट के जहाँ पे निकालोगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर
क्या बात कर रहा हूँ यार, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। सो दिस इज ई एंड 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 यहां पे बना सकते हो आप आर। अब आप बहुत क्लियरली देखो सेंटर पे जीरो है, मतलब ग्राफ सेंटर से जीरो से स्टार्ट होगा और इंटरनल पॉइंट तक जीरो रहेगा और जब तक वो सरफेस ना पहुंच जाए, यानी सेंटर से लेकर जीरो जीरो जीरो। मैं रेड पेन का यूज करूंगा, सेंटर पे भी जीरो और जब तक वो सरफेस पे ना पहुंच जाए, ये जो लाइन है ये जीरो फील्ड की है और ये लेस देन वाली लाइन है, ये आर जीरो वाली लाइन है। जैसे ही वो आर पे पहुंचेगा, यानी इस पॉइंट पे जब आर स्मॉल कैपिटल आर होगा, तुरंत वो जंप करेगा और वो मैक्सिमम होगा, यानी यहां पे ए की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी ये वाली, जैसे ही वो इस पे पहुंचेगा। उसके बाद ठीक है, ग्राफ जो बनेगा ये तो हो गया आर इज इक्वल टू आर, उसके बाद क्या होगा जब आर की वैल्यू रेडियस से ज्यादा होगी, यानी आउटसाइड के लिए, तो देख सकते हो आउटसाइड के लिए ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी ये तो हाइपरबोलिक टाइप है। उसके बाद ऐसा ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, तो देख सकते हो ये ग्राफ यहाँ पे इसको एक्सेसिस को टच करेगा, उसके बाद जंप करेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये सरफेस वाला केस है, ये सरफेस वाला केस है एट सरफेस। उसके बाद फील्ड ऐसे हाइपरबोलिकली ये डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ पे आउटसाइड वाला केस है जो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए होंगे बॉस, ठीक है, कूल। तो दिस इज द ग्राफ, यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, हमेशा अट्रैक्शन हो रहा है अंदर की तरफ है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे बॉस, ठीक है, ओके ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अट्रैक्टिव है, सेंटर की तरफ है, तो ऑब्वियसली उसको हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एज इट इज ही मान के चलेंगे, इस बात का बढ़िया से ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन आएंगे नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते, पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट यहां पे कवर करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जांपल लेके, जिससे आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ओके, जा रहा है दिमाग में मस्त तरीके से, आप देखते रहना, कोई डाउट होगा तो बाद में वैसे पूछ लेना, बट होना नहीं चाहिए, सब कुछ सिनेरियो आपके सामने है, बस सीखना है न्यूमेरिकल के थ्रू हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ओके ओके, सो दिस इज द लास्ट केस बॉस, और मजा आने वाला है, इसके बाद हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे तो आपके फंडे हो जाएंगे क्लियर, बाकी जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, असाइनमेंट में मैंने जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको सॉल्व कर सकते हो, आपके बुक में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से, क्योंकि जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीखा वैसे उसका एप्लीकेशन करो तो आपको मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है ना बॉस, प्रैक्टिकल हम किसके थ्रू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके। ओके, सो हियर इज द इंटेंसिटी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर, तो हिंदी में सॉलिड को बोलते हैं ठोस, और स्फीयर को तो मैंने आपको बता दिया गोला, अब हम ठोस गोले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठोस गोला एकदम, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। ओके सर, तो क्या करने वाले हैं, अब देखो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, मतलब जाना भी नहीं है, जैसे आपको मैंने होलो स्फीयर बताया उसी तरीके से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब चूंकि ये सॉलिड है, बस इतना ख्याल रखना है, मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में मास है, चूंकि ये सॉलिड है तो पूरे में मास है, इसके पूरे वॉल्यूम में मास होने वाला है, ठीक, पूरे वॉल्यूम में मास होने वाला है। ओके 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 एंड ओके, ठीक है, जस्ट लाइक आर अर्थ, अर्थ मान लो ना अपनी सॉलिड स्फीयर, अगर हम अर्थ मान लेते हैं तो बुराई है क्या, नहीं है बुराई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका सेंटर है, ये इसका मास है, रेडियस इसकी आर है, अब ये इसका सेंटर है। अगर मैं डायरेक्ट कंसर्ट पे आऊँ, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन ना दूँ तो ये तुरंत ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तीन चार पॉइंट पर ध्यान रखा करो, सेंटर, इंटरनल पॉइंट, ठीक है, सरफेस वाला पॉइंट और उसके बाहर वाला पॉइंट। देखो भाई ध्यान से समझना, जब भी वो बाहर वाले पॉइंट की बात करेगा आउटसाइड की, जैसे अभी अभी देखा था हमने, तो आउटसाइड का मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस लेनी होती है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस जो भी होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस तो यहीं तक रहेगी ना सरफेस तक ही, ठीक है। तो इस पे जो अट्रैक्शन होगा इसका, ये मान के करेंगे पूरा स्फीयर इसके सेंटर पे समा गया है, सारा मास स्फीयर का यहाँ पे है, तो ये पॉइंट की तरह काम करेगा, यानी आउटसाइड पॉइंट पे वही आएगा जो पीछे आया था, जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आता, सरफेस में और आउटसाइड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, इसको तो आप दिमाग में सेट करके रखो, याद बार बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब सर जब आप सरफेस पे पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो जो अट्रैक्शन होगा वो भी इसके मास की वजह से होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे वो कैपिटल आर के इक्वल होगी, तो यहाँ पे सरफेस पे जो होगा अट्रैक्शन अंदर को वो होगा पूरे मास की वजह से सरफेस पे, यानी जी एम अपॉन कैपिटल आर लेंगे बस रेडियस,
ठीक है समझ गए होंगे आप, बिल्कुल वही है। बस कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब आप इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं, इंटरनल, जब वो पॉइंट इंटरनल ही हो, मतलब इसके सेंटर से सरफेस के अंदर ही हो कहीं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन इसकी रेडियस होगी और इसके अंदर वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और इसी पे आपने फोकस करना है। बाकी ये दो पॉइंट होलो और सॉलिड दोनों में सेम है कि नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो अब इस पे जो अट्रैक्शन होगा अंदर, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर इंटरनल पॉइंट की बात करूं, मान ले यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये वाला मैं कहीं भी ले सकता हूँ, इंटरनल है ये पॉइंट है पी, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है आर वो रेडियस से कम है इसलिए इंटरनल माना है। तो इसी रेडियस का एक स्फीयर देख लो आप, कट करो यहाँ पे इसी रेडियस का, देखो ये वाला, ठीक है। तो यार सीधी सी बात है, सेंटर यहाँ है तो इसके अंदर जो ये मास होगा, ये इससे बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे अब इस मास से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो थोड़े इसको अट्रैक्ट करेगा उधर को, ठीक है। सेंटर तो अंदर है तो सेंटर की तरफ अट्रैक्शन होगा ना। तो इस पूरे का मास था कैपिटल एम, लेकिन इस अंदर का मास होगा कुछ एम डैश, हमें क्या पता, क्योंकि ये एक तरीके से ये जो पॉइंट है इसके सरफेस पे रखा हुआ है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अंदर को। तो इफेक्टिव जो मास है जो अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो अंदर वाला है, यानी एम डैश, क्योंकि सेंटर की तरफ वही अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी मास की वजह से केवल ये इस पे फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे उसको आप लिखोगे जी, पूरा मास नहीं लेना है, एम डैश ओवर डिस्टेंस है इसकी आर स्क्वायर। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, अब आपको ये निकालना पड़ेगा और ये आप कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा। जब भी इंटरनल पॉइंट की बात करेगा आप, जीरो नहीं होगा क्योंकि इस इंटरनल पॉइंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर अब मास है, क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ मास है, होलो में मास नहीं होता था, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसको निकालेंगे कैसे, जब ये पूरा मास था तो पूरा वॉल्यूम क्या लेते थे, 4/3 R³, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट है और डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी होती है जब मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, रो से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो पूरा मास डिवाइड बाय पूरा वॉल्यूम, इस छोटे वाले स्फीयर का मास एम डैश माना है, उसका वॉल्यूम होगा 4 π r उसकी स्मॉल डिस्टेंस का क्यूब, ये पूरा कैंसिल है, तो देखो एम डैश आपके पास आ रहा है m × r³ ओवर कैपिटल R³, ठीक है, यही आ रहा है। और इस एम डैश को उठा के यहाँ पटक सकते हो आप, तो E in आपके पास दोस्तों आ जाएगी G/r² × M/r³ × r³, ये हो गया कैंसिल। तो इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड आ रहा है दैट इज G/m/R³ × r, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो ये कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होने वाला है। तो इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, मतलब लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। तो अगर आर की वैल्यू आप यहाँ जीरो पुट कर देते हो तो जीरो का मतलब सेंटर से डिस्टेंस ली जा रही है तो सेंटर की बात कर रहा है, और जीरो पुट करते आर, आर जीरो करो पूरा जीरो, तो सेंटर पे जीरो हो गया, मतलब इस केस में सेंटर पे केवल जीरो होगा, बाकी कहीं भी जीरो यहाँ पे नहीं होने वाला, सेंटर से जस्ट बाहर भी कुछ ना कुछ होगा, उसकी आर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा, इंटरनल पे कितना होगा वो मैंने बता दिया, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा जब भी वो किसी इंटरनल पॉइंट की बात करेगा सॉलिड स्फीयर के केस में। हाँ, अगर वो बोलेगा सेंटर पे तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो हमेशा जीरो है, और होलो के केस में चूंकि अंदर मास नहीं होता है तो सेंटर से लेके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा, बट यहाँ पे सेंटर को छोड़ के हर पॉइंट पे फील्ड कुछ ना कुछ होगा क्योंकि हर जगह मास है, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए उसको। तो दिस इज योर रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर है। सो आर की वैल्यू पुट करते जाना, ई आता जाएगा, आर की वैल्यू पुट करते जाना, ई आता जाएगा, सारे रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ग्राफ बहुत क्लियरली आप देख सकते हो सर, ये है डिस्टेंस आर, ये है इसका फील्ड ई, चूंकि सेंटर पे केवल जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होगा, और चूंकि लीनियर अंदर के पॉइंट पे लीनियरली वेरी कर रहा है, आर की पावर 1 है, याद करो अगर इसको मैं वाई मान लूं और आर को एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जब तक वो सरफेस पे ना पहुंच जाए, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जब आउटसाइड पॉइंट पे जाएगा तो स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हाइपरबोलिकली इस तरीके से नीचे को जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ देखने को मिलेगा, ये जो ग्राफ है ये तब है जब आर रेडियस से कम है, यहाँ पे आर सरफेस हो गया और ये आर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है, ये यानी आउटसाइड वाला है, ये जो फील्ड का वेरिएशन है आउटसाइड वाला, ये इंटरनल वाला, और ये आर जीरो पे है,
जब आर जीरो है, ठीक है, आर जीरो पे सेंटर पे है, तो दिस इज योर ग्राफ। इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, रिजल्ट पता है तो ग्राफ बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर। अब इसके फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे यहाँ पे और मस्त तरीके से आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। समझ गए ना बॉस क्या है कहानी, किस तरीके से डील करना है, कौन कौन से रिजल्ट है, उन पर जल्दी से फोकस कर लेता हूँ। ग्राफ कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बनाने चाहिए, याद भी होने चाहिए। ग्राफ पूछे जा चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देखोगे, मेंस में भी, आईआईटी में भी और आपके नीट में भी ग्राफ के क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके।